हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एट ग्लैंस, आर के शर्मा बुक का पार्ट एग्रोनॉमी लेक्चर नंबर टू। तो एग्रोनॉमी लेक्चर नंबर टू में हमें स्टार्ट करना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, यानी आज हम टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल इज़ नोन एज। जो सॉइल का मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सॉइल के मैकेनिकल मैनिपुलेशन को ही हम बोलते हैं टिलेज। सेकेंड इज द गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज इज कॉल्ड। यानी जब हम सॉइल में टिलेज कर देते हैं, मैकेनिकल मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमको सॉइल की फिजिकल कंडीशन ऑब्टेन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं टिल्थ। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज? तो टिलेज के फादर किसको कहा जाता है? जैथ्रो टुल को कहा जाता है। नेक्स्ट है द टिलेज ऑपरेशन मेनली एम्स टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉइल। तो टिलेज ऑपरेशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। तो वो ऑपरेशन जिसमें हम सिर्फ सॉइल को ब्रेक करके, उसको ओपन करके उसको टर्न कर देते हैं, यानी इसको पहले ब्रेक करेंगे फिर उसको ओपन करके जस्ट सॉइल की टर्निंग कर देते हैं, इस तरह के जो टिलेज ऑपरेशन है दे आर रिफर्ड एज प्राइमरी टिलेज, दे आर रिफर्ड एज प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करे जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम प्राइमरी टिलेज में जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं दे आर देसी प्लो। देसी प्लो को हम कंट्री प्लो भी बोलते हैं, ये इंडिजिनस प्लो होता है। देन एम्बी प्लो, रिच प्लो एंड डिस्क प्लो। तो ये सारे जो प्लो हैं इनका मेन काम होता है सॉइल को ब्रेक करके ओपन करना एंड आफ्टर दैट दे विल टर्न द सॉइल। तो ये सारे हमारे प्राइमरी टिलेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है द टिलेज ऑपरेशन डन टू क्रिएट द गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडलिंग एंड प्लांटिंग। एक ऐसा टिलेज ऑपरेशन जिससे हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं ताकि प्रॉपर क्रॉप्स जनरेट कर सकें, उस वाले टिलेज ऑपरेशन का नाम है सेकेंडरी टिलेज। द नेक्स्ट इज द सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स आर। अब सेकेंडरी टिलेज में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रॉपर सीड बेड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो हम इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे वो सेकेंडरी टिलेज में आएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कल्टिवेटर, हैरो, हो, प्लैंकर एंड रोलर। तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स जो हैं ये हमारे सेकेंडरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं। अभी अब ऊपर हमने प्राइमरी टिलेज डिस्कस करा था, ये सेकेंडरी टिलेज है। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम रेंज ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर फॉर द कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव प्लोइंग। तो जब हम सॉइल की प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग में क्या करते हैं, जो लैंड होता है जिसमें हम कल्टिवेशन करेंगे उसको हम पूरा पानी से फिल कर देते हैं, और उसमें फिर हम जो स्टैंडिंग वाटर होता है पानी में, फील्ड में पानी बना रहता है उसी दौरान हम स्टैंडिंग वाटर में ही प्लोइंग कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है प्लोइंग। और जो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रहता है इस दौरान प्लोइंग के टाइम पे वो कितना रहना चाहिए, तो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर विल बी 50-70%। नेक्स्ट है एन आइडियल कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर द क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप ग्रोथ की जो सॉइल की आइडियल कंडीशन है दैट इज रिफर्ड एज सीड बेड। और प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए हमको कौन सी टिलेज करनी पड़ती है, दैट विल बी सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज हम करते हैं टू गेट प्रॉपर सीड बेड फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट है कन्वेंशनल टिलेज। अब टिलेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स आते हैं, एक था प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें आता है हमारा कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज में भी अगेन कैटेगरी होती है, तो कन्वेंशनल टिलेज में तीन कैटेगरीज आती हैं। कन्वेंशनल टिलेज इन्वॉल्व मिनिमम टिलेज, ज़ीरो टिलेज एंड कंजर्वेशन टिलेज। नेक्स्ट इज मिनिमम टिलेज क्या होता है, द टिलेज एम्स टू रिड्यूस द टिलेज टू मिनिमम। ठीक है, इसमें हम टिलेज को बहुत ही मिनिमम कर देते हैं, दैट इज़ वाई इसका मिनिमम टिलेज नाम है। यहाँ पे इसका कीवर्ड है मिनिमम, फॉर इंश्योरिंग द गुड सीड बेड एंड रैपिड जर्मिनेशन। अगर सीड बेड प्रॉपर होगा तो इट विल इंश्योर द क्रॉप जर्मिनेशन प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर सीड बेड अगर होगा तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। सेटिस्फैक्ट्री स्टैंड का मतलब प्रॉपर एक ही टाइम पे सब क्रॉप जर्मिनेट करेंगे तो उनका स्टैंड यूनिफॉर्म रहेगा, सेम लेवल पे ग्रोथ होगी एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस जो हैं वो बनी रहेंगी। तो इस तरह की जो टिलेज होती है जिसमें हम टिलेज को एकदम रिड्यूस कर देते हैं एकदम मिनिमम लेवल पे, दैट इज रिफर्ड एज मिनिमम टिलेज। और मिनिमम टिलेज से भी क्या होता है, हमारा प्रॉपर सीड बेड तैयार होता है। नेक्स्ट है द टिलेज रिफर्स एज नो टिलेज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉइल।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लैंड है उसमें जो भी क्रॉप ग्रो करी थी उसके बाद हमने उसमें जो टिलेज ऑपरेशन थे वो परफॉर्म नहीं करे, यानी नो टिलेज, यानी जो भी हमारी क्रॉप्स हमने ग्रो करी थी उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो भी उसका रेसिड्यू था वो एज सच हमने फील्ड में छोड़ दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो टिलेज। इसको बोलते हैं ज़ीरो टिलेज, ज़ीरो माने नो टिलेज। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैची वर्ड है दैट इज़ नो टिलेज। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लैंड होता है उसको ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं फॉर नेक्स्ट सोइंग, नेक्स्ट क्रॉप की जो सोइंग होती है उसके लिए। नेक्स्ट है द वर्ड ज़ीरो टिलेज वॉज टर्म बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़ीरो टिलेज शब्द कहाँ से आया है, तो अभी हमने पढ़ा था फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ टिलेज जैथ्रो टुल थे, और ज़ीरो टिलेज ये शब्द है ये भी जैथ्रो टुल ने ही कॉइन करा है। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच ऑर्गेनिक रेसिड्यूज आर नॉट इन्वर्टेड इन टू द सॉइल, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक रेसिड्यूज को ऐड नहीं करते, एंड यूज एज अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट इरोजन, सॉरी, अ सिस्टम ऑफ टिलेज ऑन विच ऑर्गेनिक रेसिड्यूज आर नॉट इन्वर्टेड इन टू सॉइल एंड यूज एज अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट इरोजन एंड इवेपरेशन लॉस ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, दैट विल बी कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज और स्टबल मल्च टिलेज। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स का रेसिड्यूज होते हैं उसको सॉइल में प्रॉपरली इन्वर्ट नहीं होने देते, यानी इसको ऊपर ऊपर रहने देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो नीचे का लैंड रहता है उसमें जो भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंजर्व रहे, मॉइस्चर का लॉस ना हो। मॉइस्चर लॉस कैसे होता है, इवेपोरेशन के थ्रू, तो इवेपोरेशन के थ्रू मॉइस्चर लॉस ना हो और इरोजन की प्रॉब्लम भी ना हो, लाइक वाटर इरोजन या विंड इरोजन की प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेसिड्यूज को ऊपर रखते हैं। और इसी इरोजन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो मॉइस्चर कंजर्व रहेगा इसलिए हम इसको कंजर्वेशन टिलेज या फिर स्टबल मल्च टिलेज भी बोलते हैं, बिकॉज कंजर्व करने के लिए हम ऊपर जो बिछाते हैं, ऊपर सरफेस को जो कवर करने के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं, दैट इज स्टबल मल्च, वो स्टबल मल्च होता है। स्टबल जो होते हैं बेसिकली वो क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोडक्ट रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्टबल मल्च। नेक्स्ट है कंजर्वेशन टिलेज टेंड्स टू इंक्रेज हायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन, कैसे, यानी कंजर्वेशन टिलेज से माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज क्योंकि मॉइस्चर प्रॉपर कंजर्व है, मॉइस्चर कंजर्व होने के कारण ही क्या होगा, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रॉपर उस मॉइस्चर में सर्वाइव करेंगे, जिनको ऑप्टिमम रेंज ऑफ मॉइस्चर चाहिए सर्वाइव करिए, तो वो उनका फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी अगर मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, तो दैट इज़ वाई कंजर्वेशन टिलेज में मॉइस्चर लॉस नहीं होता है, तो जो हाई जो माइक्रोबियल पॉपुलेशंस होती हैं वो अच्छे से प्रॉपर्ली ग्रो होता है। नेक्स्ट, द टिलेज इम्प्लीमेंट्स यूज टू ब्रेक द सब सॉइल, सब सॉइल को ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सब सॉइल का मतलब होता है जो मिट्टी की नीचे वाली जो सॉइल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अपर सॉइल है, इसके नीचे की जो सॉइल्स होती हैं दे आर रिफर्ड एज सब सॉइल। तो ऊपर की सॉइल ब्रेक करना ईजी होता है कंपैरेटिवली, लेकिन नीचे तक अगर सॉइल को ब्रेक करना है, यानी सब सॉइल ब्रेक करनी, तो उसके लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो टिलेज इम्प्लीमेंट है दैट इज़ चेसल प्लो। तो चेसल प्लो क्या करते हैं, सब सॉइल्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, रिच प्लो इज़ यूज फॉर, रिच प्लो का काम क्या होता है, रिच प्लो बेसिकली यूज होता है अर्दिंग अप में एंड टू फॉर्म रिजेज एंड फरो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिनको अर्दिंग अप की ज़रूरत पड़ती है, तो अर्दिंग अप में हम क्या करते हैं, सिंपली एक प्लांट हम ग्रो करते हैं और कुछ टाइम बाद जब प्लांट बड़ा होने लगता है उसको सपोर्ट करने के लिए, मैकेनिकली सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए हम उसके आसपास की मिट्टी भी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि इतना एरिया उसको हम पूरा सॉइल से कवर कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्दिंग अप। ये कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्दिंग अप, या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे है रिज एंड फरो। तो हमारी जो सॉइल होती है उसमें हम ऐसे रिजेस बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ रिफर्ड एज रिजेस एंड फरो। तो ये मिट्टी ऊपर उठाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इतनी एरिया में मिट्टी चढ़ाने के लिए हम जो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिज प्लो। तो रिज प्लो का क्या इस्तेमाल होता है, ये अर्दिंग अप में यूज़ होता है और रिजेस एंड फरो बनाने में यूज़ होता है। अर्दिंग अप हम बहुत से क्रॉप्स में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं शुगर केन में करते हैं, इसके अलावा पोटैटो में करते हैं और ग्राउंड नट में करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिसमें हम अर्दिंग अप करनी पड़ती है, तो अर्दिंग अप के लिए रिच प्लो बेस्ट होता है। नेक्स्ट है स्टार वीडर इज़ यूज फॉर, तो स्टार वीडर किसके लिए यूज़ होगा, नाम में वीडर है तो ऑफकोर्स ये वीड्स को क्लीन करने के लिए यूज होता है। तो स्टार वीडर इज़ यूज फॉर वीडिंग इन ड्राई लैंड एंड ग्राउंड नट फील्ड, तो स्पेशली ग्राउंड नट फील्ड में यूज़ होता है और स्पेशली यूज है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, जहाँ पे वीड्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क प्लो इज़ मेनली यूज टू, डिस्क प्लो हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिस्क प्लो जनरली हम यूज़ करते हैं ग्रास्ड फील्ड में, जहाँ पे बहुत सारी घास ग्रो हो जाती है,
यानी वो ग्रास जो होती है दैट इज़ कॉल्ड मोनोकॉट वीड। ठीक है, तो जो मोनोकॉट वीड हो जाते हैं या मोनोकॉट्स जो ग्रासेस फैमिली के क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो जाते हैं एक्सेस अमाउंट में, उनको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क प्लो। नेक्स्ट है रोटरी प्लो इज़ यूज टू। रोटरी प्लो का काम क्या होता है, कट एंड पल्वराइज द लाइट सॉइल। तो हमेशा जो रोटरी प्लो होता है ये क्या करते हैं, हम लाइट सॉइल्स में यूज़ करते हैं। लाइट सॉइल का एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल। ठीक है, तो जो सैंडी सॉइल है हमारी लाइट सॉइल होती है, और क्ले सॉइल हैवी सॉइल में कंसिडर की जाती है। तो लाइट सॉइल जैसे हमारी सैंडी सॉइल में हम यूज़ कर सकते हैं रोटरी प्लो, और ये क्या करेगा, ये कट करेगा और पल्वराइज करेगा सॉइल को। पल्वराइज का मतलब होता है उसको बहुत ही महीन फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट हैरो आर यूज फॉर। तो हैरो का काम क्या होता है, हैरो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड एंड डिस्ट्रॉय द वीड। हैरो से हम वीड्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और वीड एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारा प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज फाउंड हाईएस्ट इन। तो सबसे ज़्यादा मैकेनाइजेशन इंडेक्स किसका हाई होता है, वो हमारा वीड क्रॉप का होता है। मैकेनाइजेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक लैंड में कोई भी क्रॉप का कल्टिवेशन करेंगे, तो उस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए हमने जो भी मशीन्स का यूज़ करा था, उस मशीन्स का जो हमने यूज़ करा है वो इफ़ेक्टिव कितना रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वीट ले रहे हैं, तो वीट में हमने स्टार्टिंग से लेकर हार्वेस्टिंग सोइंग टू हार्वेस्टिंग के बीच में जितने भी हमने मशीन्स यूज़ करी हैं दैट इज़ और कितना इफ़िशेंट आउटपुट उसका जनरेट हुआ है, उसको बोलेंगे मैकेनाइजेशन इंडेक्स। और सबसे ज़्यादा वीट क्रॉप में मैकेनाइजेशन इंडेक्स हाईएस्ट देखा गया अब तक। ओके, द राइट आंसर इज़ वीट क्रॉप। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। तो उनको स्पेशल जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं उनका कल्टीवेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैडी इन राइस के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बोटानिकल नेम एंड फैमिली ऑफ पैडी। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है राइस का, और राइस जैसा टाइप ऑफ साइंटिफिक नेम होता है, और फैमिली होती है पोइसी। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर। तो उसका क्रोमोसोम कितने होते हैं, इसका क्रोमोसोम होते हैं 24, 2n = 24, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ पैडी। तो पैडी जो होती है धान की, दो ही कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंपॉर्टेंट है दोनों स्पीशीज के नाम, दैट इज़ ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबरिमा। ओके, ओराइजा सटाइवा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी इंडिया में कल्टिवेट की जाती है, और इंडिया में नहीं ये पूरा ऑल ओवर एशिया में कल्टिवेट की जाता है, इसके लिए इसको ओराइजा सटाइवा को हम एशियन राइस भी बोलते हैं। ठीक है, ओराइजा ग्लैबरिमा हमारे एशिया में कल्टिवेट नहीं करा जाता, ये करा जाता है अफ्रीका में। ठीक है, इसको अफ्रीकन राइस बोलते हैं, ओराइजा ग्लैबरिमा। नेक्स्ट इज द प्रोटीन कंटेंट इन पैडी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइस में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है। राइस में प्रोटीन का नाम है दैट इज ओराइजिन, बिकॉज अभी हमने इसका साइंटिफिक नेम देखा था ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा से कैच कर लेना है वर्ड, ओराइजा से बन जाएगा ओराइजिन। इसके प्रोटीन का नाम है ओराइजिन। कितना पाया जाता है राइस में, 6 से 7%, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्टली बन सकता है कि राइस में कितना परसेंट ओराइजिन पाया जाता है। एंड ओराइजिन इज वर्ड, इट इज़ प्रोटीन ऑफ द राइस एंड इज़ फाउंड इन 6 to 7%। नेक्स्ट इंडिका राइस इज ग्रोन इन। तो इंडिका नाम से क्लियर है इंडिका राइस इंडिया में ग्रो होगा। तीन तरह के राइस होते हैं, इंडिका राइस पहला हो गया, सेकंड है जापानिका राइस, जापानिका माने जापान, जापान में कल्टीवेट किया जाता है। थर्ड वन इज़ जवानिका राइस, जवानिका राइस कल्टिवेट होता है इंडोनेशिया में। ये तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं राइस की, थ्री टाइप्स ऑफ राइस हैं, इंडिका जापानिका एंड जवानिका। ओके, नेक्स्ट है राइस इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। राइस की जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं पैनिकल, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है राइस कल्टीवेशन की, या फिर राइस में प्रॉपर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, या फिर आप शॉर्ट में याद कर सकते हो 30 से 35 भी हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो ओके। ओके, 30 से 35 भी करेक्ट है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट पीएच फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। यू ऑल नो राइस का जो सॉइल का पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक में होता है। कैसा होता है, एसिडिक पीएच में ग्रो होती है। ठीक है, तो अगर राइस के लिए हमें सॉइल चाहिए तो सॉइल का बेस्ट पीएच जो होता है दैट इज़ 4 to 6, यानी एसिडिक रेंज ऑफ पीएच में राइस का कल्टीवेशन पॉसिबल होता है। राइस के लिए हम कभी भी बेसिक टाइप की सॉइल कंसिडर नहीं कर सकते, इसके लिए हम हमेशा एसिडिक टाइप की सॉइल का यूज़ करते हैं जिसका पीएच 4 से 6 के बीच में हो। नेक्स्ट है
सोइंग ऑफ पैडी इन अप्रैल टू मई एंड हार्वेस्टिंग इन अगस्त सितंबर इज कॉल्ड, ये किस टाइप का राइज है? ओके तो यहाँ पे बताया गया है कि सोइंग जो हम कर रहे हैं वो अप्रैल मई में कर दे रहे हैं, यानी मानसून से पहले कर देंगे, ठीक है ठीक है, प्री मानसून, और हार्वेस्टिंग इसके अगस्त सितंबर, यानी अगस्त सितंबर वाले टाइम को हम बोलते हैं यानी ऑटम सीजन, ऑटम में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो इस तरह के राइस को हम बोलते हैं प्री खरीफ राइस, प्री खरीफ पैडी या प्री खरीफ राइस, या फिर हम इसको बोलते हैं और भी नाम है इसके, कई नाम हैं, ऑस राइस या फिर ऑटम राइस। ऑटम क्यों? क्योंकि ऑटम में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर दे रहे हैं इसलिए ऑटम राइस, और ऑस राइस बोलते हैं, और प्री खरीफ राइस क्योंकि मानसून जो होता है खरीफ को माना जाता है और ये अप्रैल मई खरीफ से पहले ही इसकी सोइंग हो रही है, इसलिए प्री खरीफ, और हार्वेस्टिंग ऑटम में, इसलिए ऑटम और ऑस आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, द सोइंग ऑफ पैडी इन जून जुलाई, ठीक है ये तो हमारे इंडिया में मोस्टली यही ग्रो होता है, हम मोस्टली इंडिया में राइस को कब सो कर देते हैं, इसकी बुआई कर देते हैं हम जून जुलाई यानी मानसून के टाइम पे, ठीक है एग्जैक्ट जून जुलाई मानसून में हम इसकी नर्सरी और सोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको हार्वेस्ट करेंगे द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस तरह का राइस जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, और इस तरह के राइस का क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं खरीफ राइस, को बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है इसका खरीफ, इसके अलावा इसको अमन राइस भी बोलते हैं और अग्नि राइस भी बोलते हैं, ठीक है अमन अग्नि और खरीफ ही एक ही मतलब एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, ठीक है तो इंडिया में मोस्टली यही कल्टिवेट कर रहते हैं, मोस्टली कल्टिवेटेड इन इंडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइंग ऑफ पैडी इन जनवरी फरवरी, अगर हम राइस को जनवरी फरवरी में सोइंग करेंगे और हार्वेस्टिंग करेंगे उसकी अप्रैल मई में, तो इस तरह के राइस को हम क्या बोल सकते हैं? तो देखो सोइंग हम कर रहे हैं एकदम विंटर में और हार्वेस्टिंग करेंगे अप्रैल मई यानी स्प्रिंग वाला टाइम जो होता है, स्प्रिंग में हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो इस तरह के राइस को हम क्या बोलेंगे? तो इस तरह के राइस को हम बोलते हैं बोरो राइस, समर राइस, समर राइस क्यों? बिकॉज इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो स्प्रिंग या समर के आसपास के टाइम में हो रही है और इसको स्प्रिंग राइस भी बोलते हैं, ठीक है तो बोरो समर स्प्रिंग ये हमारे इंडिया में बहुत ही कम कल्टिवेट किया जाता है। वेल सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, किसी ने मेरे को कमेंट भी करा था कि प्लीज़ मेक द वीडियो इन अलोन, तो मैं बता दूं कि मेरा जो घर है आई लिव इन जॉइंट फैमिली, तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं सबको मना नहीं कर सकती कुछ बोलने से कुछ करने से, तो आसपास वैसे मैं अकेले रूम में बैठ के ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, बट फिर भी आसपास के रूम्स पास पास में हैं तो थोड़ा नॉइज़ आ सकता है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द बेस्ट सिस्टम ऑफ राइस कल्चर इज़, तो राइस कल्चर का जो बेस्ट सिस्टम है दैट इज़ यू ऑल नो ट्रांसप्लांटिंग ही होता है हमारे पूरे इंडिया में। ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं, एक नर्सरी का एरिया सेलेक्ट करते हैं, उस नर्सरी के एरिया में हम राइस प्लांट को ग्रो करेंगे, उसके आफ्टर दैट नॉर्मली जो टाइम होता है 21 डेज़ का होता है, 21 डेज़ के बाद हम उसको क्या करेंगे मेन फील्ड में जाके ट्रांसप्लांट करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, और राइस में हम बेसिकली यही मेथड फॉलो कर रहे हैं इंडिया में। क्यों करते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड, रीज़न इज़ इसमें क्या होता है वीड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, वीड्स जो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खरपतवार, उनकी प्रॉब्लम कम होती है कंपैरेटिवली ट्रांसप्लांट राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिलेज इम्प्लीमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन, राइस कल्टिवेशन के लिए हम जो टिलेज इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ना उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राइस कल्टिवेशन के लिए कौन सा टिलेज इम्प्लीमेंट यूज़ होता है, और चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन गलत होंगे और आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है, और सही ऑप्शन यहाँ पे है पावर टिलर, ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ राइस में ही यूज़ होता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस, राइस का जो हलिंग परसेंटेज है वो कितना होता है, तो दैट इज़ 70-75%, ठीक है हलिंग परसेंटेज यानी जो हम उसका हल जो होता है, हल मींस क्या होता है उसका बाहर का जो छिलका होता है राइस में, हस्क जिसको बोलते हैं उसको हम जो रिमूव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हलिंग परसेंटेज, और हलिंग परसेंटेज जो होता है दैट इज़ 70-75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस इन राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राइस में जो ड्वार्फनेस होती है उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ डी जी वोजिन, इसके लिए डी जी वोजिन नाम का जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली डी जी वोजिन क्या है, ये राइस की जो इंपॉर्टेंट वराइटीज़ होती हैं जिनमें ड्वार्फनेस की ज़रूरत होती है, ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फर्स्ट इंटर वराइटल क्रॉस वराइटी ऑफ राइस, चावल की पहली इंटर वराइटल क्रॉस वराइटी कौन सी है? नाम याद रखो, इंटर वराइटल। ओके, इंटर, इंटर माने क्या होता है? इंटर माने होता है विद इन, ठीक है। तो इंटर वराइटल क्रॉस वराइटी जो बनाई बनाई गई है चावल की राइस में, वो कौन सी है? इंडिया की, दैट इज जया। तो पहली इंटर वराइटल क्रॉस वराइटी है भारत की, है जया वराइटी। और ये कैसे बनाई गई है? ये दो क्रॉस आपको याद रखने हैं, पी एन वन क्रॉस, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये क्रॉस होगा, ठीक है। कैसे बनाया था? जया वराइटी बनी है, पी एन वन को क्रॉस करा टी एन 141 से। अब ये दोनों जो टी एन है, टी एन स्टैंड्स फॉर ताइवान, ठीक है, ताइवान की वराइटीज़ हैं ये, इनको क्रॉस करके जया वराइटी जो है पहली इंटर वराइटल क्रॉस वराइटी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द वराइटी ऑफ राइस विच इज़ कॉल्ड मिरेकल राइस। तो मिरेकल राइस जो है किस वराइटी को कहा जाता है? तो वो है IR8। इसके अलावा जया में एक वराइटी, एक जया में एक पॉइंट और नोट करने वाला है, जया वराइटी जो है ये पहली इंटर वराइटल क्रॉस वराइटी है हमारे इंडिया में चावल की। इसको किसने डेवलप करा था? जया वराइटी वॉज डेवलप बाय डॉक्टर डॉक्टर शास्त्री ने इसको डेवलप करा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मिरेकल राइस जो बोला जाता है वो IR8 को बोला जाता है, और जया को इंडियन मिरेकल राइस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली राइस प्लांट इज ट्रांसप्लांट एट, अभी हमने पढ़ा था राइस में ट्रांसप्लांट करते हैं, किस पीरियड में या किस दिन हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे? तो नॉर्मली जो होता है 21 से 25 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। होता क्या है, इस दौरान जब 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं, जब हमारे राइस में 3 से 4 पत्ते आ जाएंगे, उस टाइम पे हम इसको मेन फील्ड में जाकर ट्रांसप्लांट करेंगे। और जो 3 से 4 पत्तों वाली स्टेज है कितने दिन में आती है? इट इज़ कम अराउंड 21 to 25 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के, जिसमें ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल डेपो मेथड जो फिलीपींस से आया था, उसमें ये टाइम अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मली राइस, ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट ये रहा अंडर SRI मेथड, SRI मेथड यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है वो अलग हो जाएगा। SRI मेथड में जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग होती है, दैट इज़ 10 to 12 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। नॉर्मली 21 से 25 डेज में होती है, लेकिन SRI मेथड के अंदर 10 से 12 डेज में हो जाती है, बहुत जल्दी, सबसे जल्दी इसमें ही होती है। SRI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइस डेपोक सीडलिंग्स आर रेडी टू ट्रांसप्लांट, अभी मैंने आपको बताया डेपोक में अलग होता है। डेपोक मेथड कहाँ से इन्वेंट हुआ है? इसको डेवलप करा है फिलीपींस ने, फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ है डेपो मेथड। इसमें हम सीडलिंग को ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? 11 to 14 डेज में, याद रखना। डेपो मेथड में 11-14 है, SRI में सबसे कम लगता है 10 to 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेपो मेथड मेनली प्रिविलेंट फिलीपींस का है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, द नर्सरी एरिया रिक्वायर फॉर प्रोवाइडिंग सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांट 1 हेक्टेयर राइस फील्ड, मतलब अगर हमको 1 हेक्टेयर राइस में प्लांटिंग करनी है, तो उसके लिए नर्सरी का एरिया जो होगा कितना होना चाहिए? तो नर्सरी का एरिया विल बी 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? हम जनरली 1/10 मानते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा मेन फील्ड है उसका 1/10 कर दो तो वो नर्सरी का एरिया होना चाहिए। तो नर्सरी का एरिया जो है वो 1/10 करके निकलता है, दैट विल बी 1000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ राइस इन इंडिया, राइस का जो सबसे प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न है वो हमारे इंडिया में क्या चलता है? राइस और वीट का, दिस इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस प्रिफर्स नाइट्रोजन अपटेक इन विच फॉर्म, राइस में जो नाइट्रोजन अपटेक होता है वो किस फॉर्म में होता है? बेसिकली प्लांट्स नाइट्रोजन को दो फॉर्म में लेना पसंद करते हैं, एनाइन में और कटाइन में भी, ठीक है। लेकिन राइस के केस में क्या होता है कि राइस में जो नाइट्रोजन अपटेक होता है वो अमोनिया फॉर्म में होता है, दैट इज अमोनिकल फॉर्म। और उस अमोनिकल फॉर्म यानी NH4 की जो फॉर्म होती है, दैट उसको हम बोलते हैं अमोनिकल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस, टॉप ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ होने वाला है वो है अमोनियम सल्फेट। याद रखना, राइस जो है किस फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक कर रहा है? अमोनिकल फॉर्म में। और टॉप ड्रेसिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं अमोनियम सल्फेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड डोज फॉर NPK फॉर राइस, राइस में जो NPK का डोज है वो कितना होता है? दैट इज़ 100:60:40 kg/hectare, इंपॉर्टेंट है 100:60:40। फॉर करेक्शन ऑफ आयरन क्लोरोसिस इन राइस,
फॉलोइंग स्प्रे इज रिकमेंडेड. आयरन क्लोरोसिस जो हो जाती है उसके लिए हमें कौन सा स्प्रे राइस में अप्लाई करना होता है, स्प्रे करना होता है जिससे वो प्रॉब्लम करेक्ट हो जाए. तो आयरन क्लोरोसिस के लिए हम क्या स्प्रे कर सकते हैं, 1% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट. आयरन की कमी है इसलिए हम फेरस सल्फेट का 1% सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ आयरन क्लोरोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ राइस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो ICAR होता है और AAAO AF कोई भी जो भी A to Z एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे बहुत बार पूछा गया है कि राइस की रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, दैट इज़ एज़ोस्पाइरलम. अब राइजोबियम मत करना बिकॉज हम स्टार्टिंग से राइजोबियम पढ़ते आ रहे हैं. राइजोबियम पल्सेस में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है. ये सीरियल क्रॉप है, राइस एक हमारा सीरियल क्रॉप है. यहाँ पे राइजोबियम नहीं है, यहाँ पे एज़ोस्पाइरलम पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर राइस फॉर इरीगेशन. इरीगेशन यानी पानी लगाने के लिए जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है राइस में टिलरिंग से फ्लावरिंग तक के बीच. ठीक है, जो टिलरिंग हो जाती है, बाली आ जाती है, टिलरिंग से फ्लावरिंग तक की जो स्टेज होती है दैट इज़ क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लो लैंड राइस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन. ये इंपॉर्टेंट है कि जो लो लैंड राइस होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लो लैंड राइस में पानी एकदम ऐसा समझ सकते हैं कि पानी वहाँ पे सबमर्ज कंडीशन में आ जाता है, यानी जो पूरा का पूरा लैंड है वो सबमर्ज हो जाता है, पूरा लैंड सबमर्ज हो जाता है पानी से, इसको बोलते हैं लो लैंड राइस. इस कंडीशन में अगर हमको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है तो हम उसको अप्लाई करते हैं रिड्यूस जोन में खाली. ठीक है, सिर्फ रिड्यूस जोन में ही फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी इन राइस. तो राइस की जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा कम है. हम मतलब आप ये मान लो कि अगर हम 100% नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं तो राइस का जो प्लांट है वो सिर्फ 30-40% ही उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा है, बाकी जो नाइट्रोजन था वो कहाँ चला गया, वो उसमें लॉसेज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, लॉसेज होते हैं, इट मे बी वॉलेटलाइजेशन लॉस, लीचिंग लॉस एक्सेट्रा. ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है. तो नाइट्रोजन के बहुत सारे लॉसेज होते हैं राइस में, इसलिए जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है राइस के केस में वो बहुत ज़्यादा कम है. तो हम बहुत सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र राइस में अप्लाई करते हैं लेकिन राइस जो है उसकी एफिशिएंसी जो है यूज़ करने की वो सिर्फ 30-40% जो कि बहुत कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोमा इन राइस डी टू. तो राइस में जो अरोमा आता है, स्पेशली अरोमा की बात हो रही है, तो अरोमा यानी बासमती राइस की बात हो रही है. ठीक है, तो जो बासमती राइस है वही बहुत ज़्यादा महकता है, उसमें जो महक होती है अरोमा वो किसकी वजह से आता है, उसका केमिकल का नाम है डाई एसिटिल 1-प्रोपालीन. नेक्स्ट, एनारोबिक इन्वायरमेंट इन राइस सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाय. मीन्स जो राइस में क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, राइस को हम बहुत सारी ऐसी जगह रोड़ते हैं जहाँ पानी से भरा रहता है फील्ड. ठीक है, पूरी जगह पानी रहता है. ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि नीचे जो जड़ें होती हैं वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि पानी में क्या होती है नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा. इस एनारोबिक कंडीशन के चलते क्या होता है कि जो नाइट्रोजन लॉस होने लगते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो लॉस होने लगती है, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉल मिर्च रेजिस्टेंट वराइटीज ऑफ राइस. राइस में एक इंसेक्ट लगता है गॉल मिर्च, उसके लिए रेजिस्टेंट वराइटीज़ का नाम. तो ये तीन बहुत फेमस वराइटी हैं राइस की जो गॉल मिर्च रेजिस्टेंट शो करती हैं, फाल्गुना सुरेखा एंड सुरक्षा. दे आर शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गॉल मिर्च इंसेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस. राइस में एक इंपॉर्टेंट डिसीज़ है ब्लास्ट, जो कि फंगस से होता है, फंगल डिसीज़ है ब्लास्ट. और इसकी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ दो हैं, दैट इज़ तुलसी एंड IR64. नेक्स्ट है, द डीप वाटर राइजेज. ऐसे राइस जो बहुत ज़्यादा गहरा पानी में ग्रो होता है, गहरे पानी में, यानी डीप राइस, डीप वाटर राइस है, दैट इज़ पंकज एंड जगन्नाथ. ये दो वराइटीज़ हैं, पंकज और जगन्नाथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइस वराइटी सुटेबल फॉर सलीन एल्कलीन सॉइल्स आर. तो कौन सी वराइटी है जो सलीन एल्कलीन सॉइल में भी ग्रो हो जाएगी. तो अभी हमने देखा था राइस का जो pH होता है, सॉइल pH, वो जल्दी एसिडिक होता है. 4-6 के जो बीच का pH होता है वो सुटेबल होता है. लेकिन फिर भी कुछ वराइटी हैं राइस की जो सलीन एल्कलीन सॉइल में भी ग्रो हो जाती हैं. वो कौन सी वराइटीज़ हैं, CSR करके उनका नाम होता है, CSR 10, CSR 13 एंड CSR 27.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर राइस वराइटीज़, राइस की जो सुपर राइस वराइटी है, ठीक है, सुपर राइस का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था जी एस कुश ने दिया था, और आई थिंक इनको ही हम क्या बोलते हैं, सुपर राइस का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। सुपर राइस के फादर हैं ही इज़ डॉक्टर जी एस कुश, और जो सुपर राइस की वैरायटी है वो है लूनीश्री, बहुत ही फेमस वैरायटी है लूनीश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस इमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि राइस के फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, दैट इज़ मिथेन, CH4 मिथेन निकलती है। नेक्स्ट है द वीट कॉज रिलेटिवली मोर लॉस इन राइस प्रोडक्टिविटी, जो राइस की प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा वीट लॉस होता है वो किस मेथड से होता है, डायरेक्ट सोइंग या डायरेक्ट सीडेड, जब हम करते हैं ना डायरेक्ट सीडिंग में हम क्या करते हैं, कोई ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते, डायरेक्ट राइस के जो सीड्स होते हैं उनको हम मेन फील्ड में ही जाके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, वो होता है डायरेक्ट सीडिंग, और उसमें वीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। द मोस्ट डोमिनेटेड वीड स्पीशीज इन राइस, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कौन सा डोमिनेट करता हुआ वीड देखा जाता है राइस में, दैट इज़ इकाइनोक्लोवा स्पीशीज, ठीक है, और इसको जंगली राइस भी कहा जाता है, यानी जंगली चावल या फिर वाइल्ड राइस भी बोलते हैं इंग्लिश में इकाइनोक्लोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन हर्बिसाइड यूज इन द राइस क्रॉप्स इज़, तो राइस में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला हर्बिसाइड जो होता है, हर्बिसाइड क्या होता है, हर्बिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मेनली किल करते हैं किसको, वीड्स को, ये वीड्स को किल करने के लिए बनाए गए होते हैं हर्बिसाइड। तो राइस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हर्बिसाइड वो दो हैं, एनिलाफॉस एंड ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट पॉलिश परसेंटेज ऑफ राइस, राइस की जो पॉलिश परसेंटेज बहुत कम है, 2% होता है, पॉलिश परसेंटेज में कहते हैं राइस होते हैं उसको वाइटनिंग करने के लिए, उसमें उसकी वाइटनिंग करने के लिए हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, और जो पॉलिश राइस होता है वो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, नॉर्मल राइस इज़ मोर बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू द पॉलिश राइस, तो पॉलिश परसेंटेज सिर्फ 2% होता है। खैरा डिसीज इस कॉज पर बहुत फेमस है, खैरा डिसीज सबको पता है, नाम इसका खैरा डिसीज है, बट एक्चुअल में ये डिसीज़ नहीं, एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि जिंक की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है, तो जिंक डेफिशिएंसी इसका रीज़न है, और उसको ओवरकम करने के लिए हम जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्यूची डिसीज इज कॉज बाय, तो एक्यूची डिसीज जो है ये किसकी वजह से होती है, इसका कारण है हाइड्रोजन H2S टॉक्सिसिटी, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से एक्यूची डिसीज हो जाती है चावल में, राइस में। नेक्स्ट द वाइट आई ऑफ राइस इज कॉल्ड, राइस में जो वाइट आई हो जाती है उसका कारण क्या है, जो वाइट आईज हो जाती है राइस की जो लीव्स हैं उनमें इस तरह के स्पॉट्स बन जाते हैं, वाइट आईज शेप्स के बन जाते हैं, तो इसका पीछे क्या कारण है, जो वाइट आई स्पॉट्स होते हैं वो बन जाते हैं आयरन की डेफिशिएंसी से, तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड द वाइट आई स्पॉट इन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेड हार्ट एंड वाइट ईयर ऑफ राइस इज कॉल्ड बाय, तो ये एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, राइस में जो डेड हार्ट और वाइट ईयर की प्रॉब्लम होती है ये आती है एक इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट पेस्ट की वजह से आती है, वो उस इंसेक्ट का नाम है येलो स्टेम बोरर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर पेस्ट में काउंट होता है येलो स्टेम बोरर, और ये क्या करता है राइस में डेड हार्ट और वाइट ईयर हेड कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलर डिसीज ऑफ राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलर डिसीज़ कौन है, तो राइस की जो किलर डिसीज़ है वो दो हैं, एक तो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो बैक्टीरिया से होती है मेनली, और एक टुंगरू वायरस डिसीज, ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं राइस में, राइस के केस में याद रखना, राइस के केस में दो इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं जिनको हम किलर डिसीज़ के नाम से जानते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड टुंगरू वायरस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन राइस इज हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ऑफ राइस विच सेव्स विटामिन B2, एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है राइस में जिसकी वजह से हम विटामिन B12 को भी सेव कर लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है पारबॉइलिंग, ठीक है, पारबॉइलिंग का जो प्रोसेस है ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मैसूर में, मैसूर कर्नाटका में इसको स्टार्ट करा था पारबॉइलिंग का, और इसमें हम क्या करते हैं राइस के जो ग्रेन्स होते हैं उसको पहले से थोड़ा बॉयल कर लेते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, उसके बाद हम उसको अगेन फिर जब उसको हमें यूज़ करना है हम उसको फिर तब बॉईल करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है विटामिन B12 को हम कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पार बॉइलिंग मेथड जो होता है राइस का वो कहाँ से आया था, वो आया था मैसूर से, और पार बॉइलिंग मेथड में हम किस विटामिन को कंजर्व कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, दैट इज़ विटामिन B12, और विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज़ कोबाल्ट, क्योंकि विटामिन B12 को कोबाल्ट माइन बोलते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट जो मिनरल है वो प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट
जो वीट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो।